डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स उनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे ज़्यादातर टर्बिलेरियंस जो हैं दे नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय एक्शुअल रिप्रोडक्शन अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सफिजन का मतलब है कि बॉडी सेंटर से कंस्ट्रिक्ट होकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर उन दोनों हिस्सों में इंडिपेंडेंट लिविंग की कैपेसिटी मौजूद होगी अब दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स जो इस फिशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे जोइड्स अब जोइड्स जो है ये ग्रीक वर्ड है जोन का मतलब है लिविंग या एनिमल रीजनरेट और इसमें और जो एनिमल्स की रिप्रोडक्शन की टाइप है दैट इज़ रीजनरेशन रीजनरेशन का मतलब है कि अगर एक एनिमल को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें काट दें तो हर एक पार्ट में इतनी कैपेसिटी मौजूद होती है कि उससे एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन सके समटाइम्स जो हैं ये जुइड्स दे रिमेन अटैच टू देयर पेरेंट बॉडी समटाइम्स जो जुइड्स हैं दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड देन स्टार्टिंग ग्रोइंग एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टर्बिलेरियंस मोनेशियस हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है

सेमिनल वेजिकल सेमिनल वेजिकल्स वो प्लेसेस हैं जहाँ पर स्पॉम्स जो हैं दे आर नॉर्मली स्टोर्ड। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो इसके अंदर हमें सिंगल या पेयर्ड ओवरीज मिलेंगी ओवरीज आर द दाइड्स वे आर देयर प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड एग्स आर नॉर्मली कैरिड आउट बाई द डक्ट्स नोन एज ओविडक्ट्स अब ओविडक्ट्स जो हैं दे ओपन आउटसाइड द बॉडी टू द जेनिटल पोर्स अब मोस्टली टर्बिनेरियंस अगर मोनिशियस हैं तो इनके अंदर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स होगा बिटवीन द टू एनिमल दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज ऑफ ग्रेट जेनेटिक ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज नॉर्मली द एडवांटेज ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ओवर द सिंगल सेल्फ फर्टिलाइजेशन अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है टू एनिमल्स दे गेट क्लोज टू ईच अदर एंड देन देर इज ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉम्स इसके बाद जो है ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉम्स के बाद जय गोट बनेंगे और हर एनिमल के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो इंडिपेंडेंट होगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्स ड्यूरिंग फार्मेशन के दौरान एग के साथ और सेल्स मौजूद हैं जिनको हम कहेंगे योग सेल्स दे मे बी लेड अराउंड द जाइगोट और जैसे जैसे फीमेल इसके अंदर एग की डेवलपमेंट होगी ये योग सेल्स जो हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे समाइम्स योग ग्लैंड्स भी मौजूद हैं और ये योग ग्लैंड्स जो हैं दे प्रोड्यूस योग देन एग्स आर लेड और विदाउट अ जेल लाइक मास दैन देर इज़ अ हार्ड कैप्सूल कार्ड कोकोन दैट इनक्लोज द मैनी टर्बिलेरियरियन एग्ज इस डायग्राम से हम टर्बिलेरियन में रिप्रोडक्शन और डेवेलपमेंट के प्रोसेस को मजीद एक्सप्लन कर सकते हैं ये प्लेन एरिया प्लेन एरियम में हमने बात की ट्रांसवर्सफीन की ये ट्रांसवर्सफियन में जोन ऑफ फिशन यानि बॉडी इसकी यहाँ से कंस्ट्रिक्ट कर गई कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ये एक प्लेन एरिया से दो प्लेन एरिया बन गए दिस इज़ द एंटीरियर जॉइड फेरेंगस न्यू एसेक्शुअल ग्रोथ दिस इज द न्यू एसेक्शुअल ग्रोथ पोस्टीरियर जॉइड यानी ये इसके एंटीरियर एंड और यह इसका पोस्टीरियर एंड ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता साइज में इंक्रीज करेंगे और देन दे विल बिकम कम्प्लीट इंडिपेंडेंट अडल्ट टर्बीलेरियस तो दिस इज़ अ मोड ऑफ़ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम ट्रांसवर्स फीशन कहेंगे अब ये अडल्ट बॉडी के अंदर आप देखें यह हरमाफ्रोडाइट्स हैं एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस टेस्टिस के साथ ये स्पर्म डक्ट या जिसको डिफरेंस भी कह देंगे दिस कैरीज द स्पर्म एंड कलेक्टेड इन टू अ वेजिकल दैट इज नोन एज सेमिनल वेजिकल दिस इज द स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर द स्पर्म्स आउटसाइड पेनस एंड देर इज अ जेनिटल चैम्बर हेयर इन दिस साइड देर इज द Female reproductive system, ovary is present, ovary produces eggs, eggs are carried by the duct, oviduct, and then there is present yolk glands, yolk glands, then there is copulatory sex, genital pores are present. So, through this diagram, you can say that in turbularians, they have a proper asexual reproductive system.